नबी मेरा प्लान ने मुझे सिखाने की कोशिश किया तो मैंने सोचा अपने पहले रिश्तेदार को बताता हूँ। और मेरे रिश्तेदार में मेरे फफेरे भाई थे और वो एडवोकेट थे और मेरे से उम्र में भी ज़्यादा थे और एजुकेशन में भी। अब आप तो समझ ही गए होंगे, बाकी बात बताने की ज़रूरत ही क्योंकि वकील साहब लोग जो होते हैं अगर हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, सॉरी, बाल के भी खाल निकालते हैं। हम तो यहाँ पर ट्रेनिंग लिए नहीं थे, वो कितना खाल निकाले होंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। बस एक बात बता दूँ उनकी, बता दूँ। उन्होंने बोला, नसीम ये सब काम ज्यादा दिन तक चलता, अरे प्रोडक्ट बेचने वाला हो या लोगों को जोड़ने वाला, ये सब काम ज्यादा दिन तक चलता। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं अपने प्लान के पास गया, बोला सर उसके बॉडी में खून है, मेरी बॉडी में भी, हम इसकी सुनने वाले, हम इसको जवाब देंगे और बताएंगे। मेरे प्लान ने बोला, नसीम जवाब बोल के नहीं, अब तक तुझे बनना था अपनी गरीबताई को दूर करने के लिए, अब तुझे चैलेंज दिया है बनने के लिए, गरीबताई को नहीं उसको बनकर साबित करके दिखाने के लिए। अगर वाकई में लोग प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमा सकता है तो तुझे चैलेंज दिया है तू करके दिखा सकता है, तेरे पास बाजू में दम है। और दोस्तों उस दिन मैंने कसम खाया, अब तक बनना था माँ बाप के खातिर, अब बनकर दिखाऊंगा तेरे खातिर। थैंक यू। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने बोला, नसीम ये सब काम, ये सब धंधा, ये सब सपना सपना ही रह जाता, कभी हकीकत में बदलता। मैंने दोस्तों उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, वाकई में यार ये बेस्ट काम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गैलवे बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जहां पर हम पैसा सिर्फ कमा नहीं सकते, लोगों को कमवा सकते, बट लोग समझ ही नहीं रहा था। जानना चाहेंगे क्यों? मेरे अपलाइन ने समझाने की कोशिश किया, नसीम लोग तुझे अभी समझने वाले, क्योंकि इस गैलवे बिजनेस के बारे में लोगों को अभी पता। जरा सोचो, अगर आपको पता नहीं है तो क्या आप समझना चाहेंगे? आपने आज तक गैलवे बिजनेस को देखा नहीं था, क्या आपने समझा था? तो बाहर के लोग भी कभी देखे नहीं तो समझेंगे क्या? मेरे प्लान ने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। फाइनली इन शॉर्ट मैंने उनकी बातों को चैलेंज के रूप में लिया। किसकी रूप में? चैलेंज के रूप में लिया और काम करना शुरू किया। इन शॉर्ट फाइनली सीडी से पीडी बना, कुछ लोग मिले, भरोसा किए, प्रोडक्ट को खरीदे और उसकी वजह से मैं सीडी से पीडी बना, ईडी बना, एसडी बना। और एसडी लेवल की एक कहानी और है, बताऊं? उस वक्त तक बात थी उन लोगों की जिनको मैं लाने की कोशिश कर रहा था, अब बात आई उन लोगों की जिनको मैं ला चुका था। हेलो, वो लोग मेरे घर वाले, यानी मैं बात कर रहा हूँ उनकी, मेरे डाउनलाइंस की, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया था, जिन्होंने ग्लेज में काम को शुरू किया था। मेरे घर वाले के पास गए, मेरे पिताजी के पास गए और बोले, जानना चाहेंगे? अब तक तेरा बेटा फंसा था, अब क्या हुआ है जानना चाहेंगे? मेरे पिताजी ने बोला, क्या हुआ भाई? अरे तेरा बेटा तो फंस गया है और तेरे बेटे ने ले जाकर मेरे बेटे को भी फंसा दिया। अब तो समझ ही गए क्या होता है। पिताजी का फोन आया, मैंने बोला, क्या बात है पिताजी? बोला, बेटा क्या लगता है तुम ये सब फंसने फंसाने वाला काम में लग गया क्या? मैं समझ गया, खेल शुरू हो गया, अब इसका कोई रास्ता। मैंने उस दिन अपने पिताजी को बोला, पिताजी आपने अभी तक भरोसा किया, आपने अभी तक मुझ पर भरोसा किया, ज्यादा नहीं एक साल और भरोसा कीजिए, ये बेटा आपसे आज वादा करता है, ये बेटा इस काबिल बनकर दिखाएगा कि वही लोग होंगे फिर से आपके घर पे आएंगे और वही लोग आपके घर पे आकर फिर से कुछ बोलेंगे, इस बार बोलेंगे सैल्यूट है आपको कि आपके बेटे ने मेरे बेटे की लाइफ बना दी। थैंक यू। और मेरे पापा ने उस दिन भरोसा किया और मैंने उनको समझाने की कोशिश किया। इन शॉर्ट फाइनली मैं अपनी टीम के साथ प्लानिंग किया और काम को आगे बढ़ाता गया। बट जो ही मुझे लगा कि
ये बिजनेस सिर्फ बनने का नहीं, पैसा कमाने का नहीं, फिर अपनी टीम के साथ जब प्लानिंग किया, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कामयाब बनाना शुरू किया, फिर मैं इस ग्लेज में दोस्तों एसडी से आरडी बना, फिर मुझे लगा कि नहीं और बनाना चाहिए, फिर मैं आरडी से डायमंड बना, और जब डायमंड बना बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे जिनको पूरा किया, बट उन ड्रीम में से एक सपना जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर कर दूं, जानना चाहेंगे? वो मेरा नहीं था, वो मेरे माँ बाप का था, क्योंकि मेरा मानना है कि हर माँ बाप के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, होते हैं, लेकिन वो हमारे खातिर अपने सपनों को दबा देते हैं। मैंने डायमंड बनने के बाद अपने माँ बाप से उन सपनों के बारे में पूछा, और वो सपना था माँ बाप का मेरा मक्का मदीना जाने का, हज करने जाने का, तीर्थ यात्रा का। और जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे माँ बाप क्या बोलते जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला, बेटा ये सपना सपना ही पूरा होने वाला। मैंने उनको बोला, मुबारक हो आपको, आज तक इस नसीम को कोई ऐसा काम नहीं मिला था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला था जहां से उस सपने को पूरा कर सकता था। मुबारक हो आपको, आपके बेटे को एक ऐसा बिजनेस मिल चुका है, एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से अब वो सपना सपना नहीं हकीकत में बदल जाएगा, हकीकत में बदल कर दिखाएगा, जिसके जरिए से उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। और दोस्तों, इन शॉर्ट, मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए प्लानिंग किया, तो मेरे माँ बाप बोलते हैं, बेटा, उन्होंने बोला, बेटा क्या अच्छा होगा कि अगर ये सपना सिर्फ पूरा मत करवाओ बल्कि साथ में ले चलते तो कितना अच्छा होता। मैंने सोचा, यार नेक जगह की यात्रा, वो भी नेक लोगों के साथ, तो नेक काम ही बच्चों को देरी किस बात की, मैंने भी तैयारी किया और साथ में गया। तो मुझे याद आ रहा था वो दिन जब मैं पहली बार गैलवे बिजनेस के जरिए से माँ बाप के साथ विदेश की यात्रा के लिए फ्लाइट में बैठा, तो मैं क्या देख रहा था कि मेरे मम्मी कभी छोटे छोटे खिड़की से, फ्लाइट के छोटे छोटे खिड़की से बाहर की तरफ देख रही है, कभी लोगों की तरफ देख रही है, कभी मेरे पिताजी की चेहरे की तरफ देख रही है, कभी मम्मी मेरी तरफ देख रही है, और देखते देखते मम्मी के आंखों में आंसू आ गए, और मम्मी के आंखों में आंसू को देखकर मुझे याद आया फिर से वो दिन कि मम्मी तो वही थी जब मेरी मम्मी के इलाज के पैसे नहीं हुआ करते थे, तब भी मम्मी के आंखों में आंसू हुआ करता था। मम्मी वही थी जिस मम्मी के आंखों में आंसू तब भी था जब पिताजी मेहनत करते करते थक जाते थे, उसी मम्मी के आंखों में आंसू था जब छोटे छोटे भाई बहनों के सपनों का गला घोट दिया जाता था, उसी मम्मी के आंखों में आंसू था जब इस नसीम को नौकरी नहीं मिली थी, उसी मम्मी के आंखों में आंसू था जब वो मम्मी कभी रात की नींदें हमारे खातिर हराम कर देती थी, जाग जाती थी, उसी मम्मी के आंखों में आंसू था। फर्क ये था कि उस दिन का आंसू गम का था और आज का आंसू खुशी का था, और खुशी का आंसू का कोई जवाब नहीं था। थैंक यू। और दोस्तों, इन शॉर्ट, मैं क्लेश में काम अपने खातिर नहीं, माँ बाप के उन सपनों के खातिर शुरू किया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं। मैं ये नहीं पूछने वाला हूं कि आप में से कितने लोग प्यार करते हैं,
क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ ग्लेज में नसीम नहीं यहां पर बैठे हुए हर एक लोग अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करता है जितना प्यार नसीम अपने माँ बाप से करता है। वाकई में अपने माँ बाप से आप प्यार करते हैं? दिल से प्यार करते हैं? सच्चा प्यार करते हैं? तो आज एक कसम खाकर यहां से जाना, क्योंकि ग्लेज में मैंने अपने खातिर नहीं अपने उस माँ बाप के खातिर काम किया था, क्योंकि मुझे पता था माँ बाप की उन कुर्बानियों का, माँ बाप की उन परेशानियों का, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि वही माँ बाप हमारे खातिर कितनी रातें जाग चुके थे, वही माँ बाप हमारे खातिर कितने परेशानियों को गले लगा चुके थे, कितनी लोगों की गालियां सुन चुके थे, कितने लोगों के सामने हाथें फैला चुके थे, कितनी चीजें हमारे खातिर सह चुके थे। क्या सिर्फ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया होगा? आपके भी माँ बाप ने किया है? यार जरा सोच के देखना उन माँ बाप की कुर्बानियों के बारे में। क्या कभी उनको आप अदा कर सकते हो? अदा कर सकते हो? अगर अदा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके इस दुनिया से जाने से पहले उनके सपनों के पिटारे में से एक छोटा सा सपना, एक छोटा सा सपना इस दुनिया से जाने से पहले पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं? अगर वाकई में आपके बाजू में दम है तो उनके इस दुनिया से जाने से पहले उनके सपनों के पिटारे में से एक छोटा सा सपना पूरा कर देना, ताकि वो माँ बाप इस दुनिया से जाने से पहले जाते जाते ये बोल कर जाए, ऐ खुदा अगर किसी को बेटी देना, अगर किसी को बेटा देना तो बस ऐसा दे। तैयार है? क्या करना पड़ेगा माँ बाप के उन सपनों को पूरा करने के लिए? कुछ नहीं, बस वहां से उठना है और कसम खाना है, और कसम इस बात के जब तक डायमंड और ग्लोबल डायमंड नहीं बनूंगा माँ बाप के उन सपनों के खातिर, तब तक यहां से हिलने वाला, पीछे हटने वाला और रुकने वाला। तो कितने लोग हैं जो माँ बाप के उन सपनों के खातिर आज यहां पर कसम खाते हैं और ग्लोबल डायमंड बनने का कसम? ये सब के सब है? ये सभी के सभी है? तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको कि अगर नसीम इसी गैलवे बिजनेस से अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है तो यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग दूसरा नसीम बन सकता है। थैंक यू। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा सर बात तो बड़ी पते की है, बट अफसोस की बात है सर मेरे माँ बाप इस दुनिया में अब जिंदा। कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद, कुछ ऐसे लोग होंगे शायद, हैं क्या? कितने लोग हैं? अफसोस करना नहीं है, घबराना नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सर आप मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे? थैंक यू, बहुत सारे लोग हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों दीजिए। एक ना एक दिन हमें जाना है, तो हमें गुस्सा और अफसोस करने की जरूरत नहीं कि हम हैं ही हमारे माँ बाप नहीं रहे। कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत कोई बात नहीं। उनको जाना था वो चले गए, बारी अब आपकी है। अरे हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे कोई बात नहीं, आप तो किसी के माँ बाप बने होंगे या तो बन चुके होंगे या तो बनेंगे। अगर आपके माँ बाप नहीं है
आप तो किसी के माँ बाप हैं या तो बनने वाले हैं, यस या नो? अरे अपने माँ बाप के खातिर नहीं तो आज यहां पर कसम खाना, अपने आने वाले उन बच्चों के खातिर, या तो आ चुके होंगे उन बच्चों के खातिर, उन बच्चों के खातिर कसम खाना कि मैं डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनूंगा, ताकि जब वो बच्चे बड़े हों, उनके सपने पूरे हों, तो बच्चे हजारों के बीच में, लाखों के बीच में ये गर्व से बोल सके, एक होता अगर किसी को मां देना, अगर किसी को बाप देना तो ऐसा दे। थैंक यू। चाहते हैं कि आपके बच्चे आप पर गर्व करें, चाहते हैं कि आप पर फख्र करें, चाहते हैं कि हजारों के बीच में आपका नाम रोशन करें। क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? तो कितने से लोग हैं जो अपने उन बच्चों के खातिर आज यहां पर डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनने का कसम खाते हैं? पक्का ईमानदारी से, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हेलो मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोनों छोटे हैं, उनके सपने भी छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे उनके सपने भी हम रहें या हम रहें या हम रहें या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नसीम है या नहीं है, बस इस बात से फर्क पड़ेगा कि नसीम ने डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनकर इस दुनिया से जाना। तो एक और बात जो मुझे याद आ रही है बता दूं क्या? बुरा तो नहीं मानेंगे? पक्का जाना तो है ना, सबको जाना है ना, जरा फीलिंग करना, महसूस करना। अगर हम ग्लेज में नहीं होते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आवाज सुन रहा है, जैसे मेरे दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं ग्लेज में नहीं होता और अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाता, क्या होता उन छोटे छोटे बच्चों का, क्या होता उन बूढ़े बूढ़े माँ बाप का? कभी आपने महसूस किया? रात के अंधेरे में उठकर उन माँ बाप के आंखों में झांकने की कोशिश करना, उन बच्चों की आंखों में झांकने की कोशिश करना, कितने शांति की नींद सो रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको भरोसा है कि अभी उनका सहारा, उनका सहारा और आप हैं भैया। शायद अभी तक नहीं सोचे थे ना, तो आज सोच लीजिए क्या बनना है, क्या बनना है। इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जीना है तो किसी और के लिए जियो, खुद के लिए जीना कोई बड़ी बात। अगर खुद के लिए जीना बड़ी बात होती तो आपको पता है कोई भी आज इस दुनिया में इतिहास, क्योंकि जिन्होंने अपने लिए जिया है उसका इतिहास कभी, और जिन्होंने दूसरों के लिए जिया है उसका इतिहास बना है। अपने लिए जीना बड़ी बात, अपने लिए जीना बड़ी बात, क्योंकि अपने लिए कोई भी जी लेता है, कहीं भी जी लेता है। एक बात बोलो अगर बुरा ना माने तो, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात, अपने लिए तो हर लोग, अपने लिए तो जंगल के जानवर भी, अपने लिए तो गली मोहल्ले के जी, सॉरी सॉरी मैंने नहीं बोला कौन, सॉरी मैं नहीं बोल रहा, वो भी जी लेता है। अरे अपने लिए तो नाली के कीड़े भी जी लेते हैं। अगर जीना है तो उसके लिए जियो, या तो वो आपके माँ बाप होंगे या तो वो आपके बच्चे होंगे, और अगर इन दोनों का सपना पूरा हो चुका होगा तो इस नसीम की तरह तीसरी चीज के लिए जीना, वो बाद में बताऊंगा।
अभी नहीं, बता दूं? जानना चाहेंगे? चलिए बता देता हूं, मैं आप सबको बता दूं कि मेरे माँ बाप के भी सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे बच्चों के भी सपने पूरे हो रहे हैं, फिर भी आज भी क्यों इतनी मेहनत करता हूं? जानना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी सपना मेरा नहीं है, अभी भी सपना मेरा क्योंकि बस आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूं, इसलिए इतना काम करता हूं, इतना दिन रात ट्रेवल करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि नसीम के समझाने से, नसीम के बात करने से, नसीम के समझाने की वजह से अगर कोई इस क्लेस में डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनेगा तो वो भी नसीम की तरह आने वाले टाइम में महीने का बता दूं जब नसीम की तरह लोग यहां पर डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनेंगे तो वो भी महीने का बाद में, वो भी महीने का, हजार नहीं लाख नहीं, महीने का 2 लाख 2.5 लाख सिर्फ और सिर्फ सरकार को टैक्स दे। थैंक यू। और आप सबको पता है उसी टैक्स के पैसे से क्या होता है? अरे उन्हीं टैक्स के पैसों से ही तो बेसहारों को, अरे उन्हीं टैक्स के पैसों से ही तो नंगों को, बेघरों को, भूखों को, बेरोजगारों को, नहीं चाहते हैं कि इस देश का भला हो, चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल डायमंड बनना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को टैक्स देनी है ताकि इस देश की तरक्की हो, इस देश का नाम रोशन हो, और ताकि जब भी जहां भी जो भी हमसे मिले तो वो गर्व से बोले आई लव माय इंडिया। थैंक यू। आर यू रेडी? क्या बनना पड़ेगा? पक्का? तो आज भी इसलिए मेहनत करता हूं, करेंगे आप भी? फाइनली दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बहुत सारी कामयाबी की दास्तां मेरे पास है, मैं एक और दास्तां जो मुझे लगता है कि बहुत खास है शेयर कर दूं। मेरे अपलाइन ने डायमंड लेवल पर मुझे समझाने की कोशिश किया, नसीम अभी रुकना, अब तुम्हें और लोगों को कामयाब बनाना है। और फिर जब मैंने उस फार्मूले पर काम करना शुरू किया तो नसीम सिर्फ ग्लेज में डायमंड नहीं बना, नसीम सिर्फ ग्लेज में ग्लोबल डायमंड नहीं बना। अगर मैं आज नसीम की बात करूं, इस नसीम के नेटवर्क में 40 से 50 डायमंड और स्टार डायमंड। थैंक यू। नसीम सिर्फ आज ग्लेज में कामयाब, आज नसीम के नेटवर्क की अगर बात करें, नसीम सिर्फ ग्लोबल डायमंड नहीं बना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ग्लोबल डायमंड बनाया, क्योंकि ये बनने का बिजनेस। तो आज यहां से कसम खाकर जाना, हम बनेंगे नहीं सिर्फ और सिर्फ। तो कितने लोग हैं जो यहां पर आज फिर से अभी कसम खाने वाले हैं? सर आज तक तो सोच रहे थे अपने खातिर, लेकिन आज मैं कसम खाता हूं अपने खातिर नहीं, उन लोगों के खातिर जो बेसहारा है, जो बेरोजगार है, जो आज भी गरीबताई से लड़ रहा है, जो आज भी अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए तरस रहा है, हम उनको सहारा देंगे, उनको इस काबिल बनाएंगे ताकि वो भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। तैयार हैं? पक्का?
तो बनना बनना क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? और अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा तो आप कब और कहां पहुंच जाएंगे, आपकी इतिहास कैसे लिखी जाएगी, आने वाला टाइम ये स्टेज आपकी दास्तां बयां करेगी दोस्तों। थैंक यू। फाइनली इन शॉर्ट, उन सभी लोगों को जो मैंने लेकर आया था, एक टाइम था जब स्टार्टिंग में लेकर आया था, तो मेरे गांव मोहल्ले में, मैं अपने गांव मोहल्ले की बात करूं तो मेरे मोहल्ले में, मैं सिर्फ ग्लोबल डायमंड नहीं हूं, मेरे मोहल्ले में बता दो ही छोड़ दो, दो दो ग्लोबल डायमंड है मेरे मोहल्ले में। थैंक यू। सिर्फ दो दो ग्लोबल, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मोहल्ले की बात कर रहा हूं, उसी मोहल्ले में दो दो डायमंड, यानी कि हम ग्लोबल डायमंड और डायमंड। एक दिन था जब सीडी लेवल पर काम किया करते थे, आप भी करते होंगे आज, याद होगा आपको आज का दिन, मुझे भी याद है, जब स्टार्टिंग में हम सभी लोग चला करते थे, लोग क्या बोला करते थे, इनका साथ मत पकड़ना, जिनको जोड़ देते हैं ना तो छोड़ते नहीं। हेलो, आपको सुनने को मिलता है, कितने लोगों को सुनने को मिलता है, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत जल्द आप ग्लोबल डायमंड बनने वाले हैं, क्योंकि जब ये सुनने को मिलता है तो कामयाबी की आग लगती है, मुझे भी लगी थी, और वो आग इतनी तेज लगी थी कि बस मैं उनको बताना और समझाना नहीं, मैंने उनको ये बोला था, जानना चाहेंगे? मैंने बोला था, अगर आप बोलते हो कि जोड़ता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज बोल लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि आज कौन हंसता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी भर कौन हंसेगा ये इंपॉर्टेंट है, आज जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, आज जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि एक दिन आएगा फिर से बोलोगे, एक दिन आएगा फिर से बोलोगे, जबान वही होगी सिर्फ बात अलग होगी, क्योंकि लोग बोलेंगे, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, छोड़ो यारो बेकार की बातों में क्या रहना, छोड़ दो, उनको समझाने की जरूरत आप समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ये वो बात जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात अंदर की बात है, कहाँ की बात है, आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ की बात है, अंदर की। यार बाहर में कभी किसी ने सुना है कि हम 10,000 लगाकर लाखों कमाएंगे, और अगर आप समझाने की कोशिश करोगे क्या वो समझ पाएगा, और अगर नहीं समझ पाएगा तो वो आपको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोग बोलते हैं ना तो खुश हो जाना, क्योंकि पागल तो है जिसको दवाई की नहीं कामयाबी की जरूरत है। थैंक यू। किसकी जरूरत है, तो उसको समझा नहीं पाएंगे, बस आपको कसम खाना पड़ेगा, और कसम इस बात की कि मैं डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनकर फिर से साबित करूंगा, और नसीम ने वही किया और बनकर दिखाया, आज फिर से वो लोग बोलते हैं और फिर से यही बोलते हैं, अगर बनना है तो इनकी तरह बनो, काम करनी है इनकी तरह करो, साथ पकड़ना है तो इन्हीं का साथ पकड़ो। थैंक यू, क्योंकि ये अंदर की बात है, 10,000 लगाकर लाखों कमाना ये बाहर की बात है क्या, अंदर की बात है ना, तो अंदर की बात जल्दी किसी को समझ में, अगर उसको समझना है तो थोड़ा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंदर की बात समझ में जल्दी, अब बोलोगे 10,000 लगाकर लाखों कमाएंगे,
कैसे समझ में आएगा, आज तक ऐसा हुआ लेकिन आपने देखा है ना, तो किसको समझ में आएगा, किनको समझ में आएगा? तो क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? पक्का? तो दोस्तों आपको कसम खाना है और ग्लोबल डायमंड बनने के लिए, और आपको उनको समझाने की नहीं बनकर दिखाने की कसम खानी है मेरी तरह। और फाइनली जब आप बनकर दिखाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको भी बहुत सारी ऐसी कामयाबी, बहुत सारे ऐसे सपने आपके भी पूरे होंगे। नसीम वही है, बता दूं एक टाइम था नसीम का ग्लेज में आने से पहले नसीम के पास मात्र 900 यानी 900 रुपए का एक सेकेंड साइकिल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 900 रुपए का 9 है, मतलब मात्र, वो भी सेकेंड हैंड। और वो साइकिल से मैं चला करता था। नसीम आज वही है ना, पता तो हो गई, नहीं पता? अच्छा कितने लोगों को नहीं पता, कितने लोगों को नहीं पता? अच्छा अक्सर लोगों को नहीं पता। नसीम आज वही है, बदला नहीं है, लेकिन आज भी इस नसीम के पास वो 900 रुपये सेकेंड हैंड साइकिल संभाल कर रखा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है। थैंक यू। मैंने क्यों संभाल कर रखा है बता दूं? मेरी मम्मी मेरे पिताजी कई बार बोले बेटा इसको क्या करना है, इसको कबाड़ी खाने में दे दो। मैंने बोला इसको जब जब देखता हूँ ना मुझे मेरी औकात पता चलता है। और अपनी औकात को कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। और उसके बाद नसीम ने जब डायमंड बना, ग्लोबल डायमंड बना, तो फिर टू व्हीलर कई कई, फोर व्हीलर कई कई, एक नहीं दो नहीं कई कई। लेकिन उनमें से खास फोर व्हीलर जो मेरा खास है बता दूं, आप तो समझ ही गए होंगे, चलो रहने दो बाद में बताऊंगा, बता दूं। उससे पहले एक बात और याद आ रही है, बता दूं या पहले मैं अपने उस गाड़ी के बारे में बता दूं? गाड़ी के बारे में। दोस्तों एक टाइम था नसीम 900 रुपए के सेकेंड हैंड साइकिल के लिए तरसा करता था, आज नसीम वही है। इस गैलवे बिजनेस के जरिए से आज नसीम 900 रुपए के सेकेंड हैंड साइकिल लाए, रेंज रोवर की सवारी करता है। थैंक यू। आप भी करना चाहेंगे? कितने लोगों को रेंज रोवर बहुत प्यारा है? तो कितने लोग आज यहां से कसम खाकर जाएंगे कि सर मैं आज अपने माँ बाप के सपनों के खातिर, अपने बच्चों के सपनों के खातिर और अपने उस रेंज रोवर के खातिर जब तक ग्लोबल डैमर नहीं बनूंगा यहां से पीछे नहीं हटूंगा। कितने लोग? अरे मुबारक हो आपको, आप बहुत जल्द करने वाले हैं और बहुत जल्द ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। करना क्या है, करना क्या जानना चाहेंगे? करना है सबसे पहले आपको ग्लेज के बिजनेस प्लान को समझना है। मुबारक हो आपको ग्लेज, आपको अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कार बोनस अचीव करना है, गाड़ी ग्लेज आपको देगी। अगर आपके पास घर नहीं है, होम बोनस अचीव करना है, घर ग्लेज आपको देगी। ट्रेवल करना है, ट्रेवल बोनस अचीव करनी है, ट्रेवल बोनस ग्लेज आपको देगी। तैयार है आप? ये सब ग्लेज के बिजनेस प्लान में रखा हुआ है, बस जानने की। आज तक पता था? नहीं था ना, आज थोड़ा थोड़ा पता चला ना, तो अब और जानेंगे ना। तो बस मेरा एक ही मैसेज है आपको कि जब आप उसको क्वालिफाई करना तो कम से कम ये जरूर सोचना कि मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कम से कम मुझे 6 ऐसे डायमंड और ग्लोबल डायमंड को ढूंढना है जिसकी वजह से आप बनने वाले इस ग्लेज में ग्लोबल डायमंड। यानी कि दोस्तों आपको कम से कम 6 लाइन को डायमंड बनाने की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो कितने लोग यहां पर बैठकर आज वादा करते हैं, सर आज से हम एक नहीं, दो नहीं, 6 लोगों को कम से कम अलग अलग लाइन में डायमंड बनने बनाने की तैयारी करेंगे।
अगर आपने ये कसम खा लिया ना, मैं आपसे इस स्टेज से भरोसा दिलाता हूं ये सब कुछ संभव है अगर आप ग्लेज में टिके रहेंगे। बस एक एक बॉल का इंतजार करना, घबराना हो सकता है बाउंसर आए, हो सकता है कान के नीचे से निकल जाए, बॉल थोड़ी तेज आ सकती है, घबराना। अरे एक ओवर में एक बॉल चला गया उदास, पांच बॉल अभी, चलो कोई बात नहीं, दूसरा बाउंसर आ गया, जाने दे यार, टेंशन नहीं लेना, अभी चार बॉल, कोई बात नहीं, तीसरा बॉल भी अगर आ जाए और पैर के नीचे से यॉर्कर निकल जाए तो टेंशन, क्योंकि अभी कितना, तीन बाकी है, तीसरा, पांच, चौथा भी निकल जाए फिर भी उदास। हो सकता है कि आपने मारने की कोशिश की लेकिन बैट में, तो घबराना, हो सकता है पांचवा बॉल भी आए और थोड़ा लगे लेकिन रन ना मिले तो उदास, क्योंकि अभी एक बॉल। बस आपको अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना है और उस बॉल को बैट पर लेना है और सीधा बाउंड्री से बाहर करना है ताकि उस पांच बॉल का रन एक बॉल में आप निकाल सकें। आर यू रेडी? उदास तो नहीं होंगे ना, बाउंसर से घबराएंगे तो नहीं, कहीं यॉर्कर से डरेंगे तो नहीं, टिके रहेंगे कब तक, कब तक, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। आर यू रेडी? तैयार है? फाइनली टाइम कम है, काम बहुत सारा है, तो इन शॉर्ट में अपनी बात को लास्ट में यही कहकर इंक्लूड करता हूं कि कभी हमें भी आप ही की तरह ग्लेज में अकेला आने का मौका मिला था, अकेला। आज नसीम का नेटवर्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। थैंक यू। कभी नसीम था जो एक घर के लिए तरसा करता था, एक कच्चे घर में गुजर बसर किया करता था, आज नसीम वही है जिस नसीम का घर बिहार में अलग, यूपी में अलग, दिल्ली में अलग, मुंबई में, ये टेलर है यार, पिक्चर अभी, पिक्चर अभी, और उस पिक्चर के हीरो कौन है, कौन है? तो बस इतना याद रखना, कुछ भी हो जाए पूरी चाल लगा देना उस पिक्चर को हिट करने के लिए, क्योंकि अगर पिक्चर हिट होगी तो आप हीरो नहीं सुपर हीरो बनने वाले। थैंक यू। बस लास्ट में यहां पर मैं उन बड़े भाइयों से, अंकल से, माता बहनों से जो गार्जियन के रूप में यहां पर आए हैं, बस लास्ट में मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों पर मेरे पिता की तरह कुछ दिन और भरोसा करना। एक बात और बोलूं यार, महसूस करना, जब डायमंड, ग्लोबल डायमंड बनोगे, मेरी तरह गाड़ी खरीदोगे ना, खरीदेंगे ना, एक ड्राइवर रखेंगे ना, गाड़ी किसकी, ड्राइवर किसका, गाड़ी के अगली सीट पर कौन बैठे होंगे, आप नहीं साहब, आपके माँ बाप या तो आपके बच्चे। और जब वो ड्राइवर वो गाड़ी को लेकर उसी मोहल्ले से गुजर रहा होगा, उसी मार्केट से गुजर रहा होगा, उसी गांव से गुजर रहा होगा, याद आ रहा है वो गांव, वो मोहल्ला, वो रिश्तेदार याद आ रहा है, जो कभी बोला करता था हम तो तुझे पहचानते भी, क्या कर रहे होंगे, सैल्यूट है भाई, और ये जरूर बोलेगा मेरे पिता की तरह, जब मेरे पिताजी ऐसे, चलो मेरे पिता की बात आई तो एक बात और बता दूं। अभी कुछ दिन पहले मैं रेंज रोवर को लेकर मीटिंग के बाद घर पे छोड़ के मैं ट्रेन से निकला था मीटिंग लेने के लिए, मेरे ऑलरेडी एक गाड़ी और है मेरे पिता के लिए जिसको वो यूज़ करते हैं, वो ड्राइवर जिसको मतलब लेके वो चलते हैं, मैं गाड़ी लेके निकला तो ड्राइवर बोलता है, मेरे पिताजी अपने ड्राइवर को बोलते हैं, बेटा थोड़ा वो गाड़ी निकालना के जाना है,
तो मेरा ड्राइवर सोचा कि जो गाड़ी उसकी उसी को चलते होंगे, उन्होंने निकालने को जो मेरे ड्राइवर जब निकालने की कोशिश किया, मेरे पिताजी बोलते बेटा ये गाड़ी हो गई बहुत, अब ई वाली निकल। उन्होंने बोला अंकल जाना गए, जाना चाहेंगे? यस बेटा, आज तक तो जाना बहुत जगह था, अब जाना कहीं नहीं, बस एक कप चाय की शौक है, मार्केट जाना। पिता वही है ना, माँ बाप वही है ना, शौक उनके मरे नहीं है, सपने उनके मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है। चलो ठीक है, मैं पूछ लूंगा किसी। तो क्या आप भी वाकई में मेरी तरह अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा करेंगे? यस सर। कसम खाते हैं? यस सर। तो मैं आपके जितने गार्जियन रूप यहाँ पर आए हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे पिता की तरह कुछ दिन अपने बच्चों पर भरोसा रखना, उम्मीद रखना, उनको सहारा देना, उनको हौसला देना। ये नसीम आपके बच्चे की तरफ से आपको भरोसा दिलाता है, इस गैलवे बिजनेस की तरफ से आपको भरोसा दिलाता है कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची आने वाले टाइम में आपका नाम इस नसीम की तरह ऐसा रोशन करेगा, ऐसा रोशन करेगा कि आपके बच्चे आपके नाम से नहीं, आपके गांव वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार वाले आपको यही बोलेंगे, ए खुदा अगर किसी को बेटा देना तो इनकी तरह देना। तो मैं मिलना चाहता हूं उन गार्जियन से जो अपने बच्चे के खातिर, अपने भाई के खातिर, अपने भतीजे के खातिर आज यहाँ पर आए हैं, जानने आए, समझने आए हैं, क्या वाकई में आप अपने बच्चों को हौसला देने के लिए तैयार हैं? कितने से लोग हैं जो वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों का साथ देंगे? जरा हाथ उठाकर बताएंगे, कितने लोग वादा करते हैं जो बच्चों का साथ देंगे, जो आपके ग्लेज में काम करते हैं उन पर भरोसा करेंगे? कितने लोग वादा करते हैं? एक बार कैमरा इधर घुमा लीजिएगा ताकि याद रहे। वादा करते हैं? कभी किसी परेशानी की खातिर आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे? कभी बच्चे का साथ तो नहीं छोड़ेंगे? मैं आपको स्टेज से वादा करता हूं, आने वाले टाइम में ये इतिहास आज नसीम सुना रहा है, अगली बारी आपके बच्चों की है, दास्तां आपकी होगी, इतिहास आपका होगा, नाम आपका होगा, पहचान आपकी बनने वाली है। थैंक यू। तो एक बार उन गार्जियन के लिए मेरे तरफ से वादा करने के लिए और आपकी तरफ से जोरदार तालियों से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फाइनली मैं अपनी बात को एंड करता हूँ। मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर इतने सारे लोग आते गए और कारवां बनता गया। इन सब सारी चीज़ों के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस परवरदिगार का जिन्होंने नसीम को इस नसीम अख्तर बनने का मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने माँ बाप का जिनके जरिए से दुनिया में आने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर उनके दामन में खुशियाँ भरने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ग्लेज के उन सभी डायरेक्टरों का जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया, इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान लाया, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से सिर्फ नसीम नहीं, इस नसीम जैसे हजारों नसीम बन पाया और अपनी कमजोरी को ताकत में बदल पाया। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सभी अपलाइनों का जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया।